मनीष कश्यप ने बिहार की जनता के साथ गलत किया? बिहार के विकास की बात करने वाले मनीष कश्यप पहुंच गए बंगाल के अंदर, अगर बंगाल के अंदर पहुंच गए तो बिहार का विकास कैसे करेंगे? उस पश्चिमी चंपारण के जनता का क्या होगा? कुछ महिलाएं उनको दूध से नहला रही थी, एक मंदिर के पुजारी तो उनको अपने जेब से पैसा निकाल करके दे रहे थे कि बेटा आप चुनाव लड़िए, अगर चुनाव जीत जाइएगा तो मंदिर जरूर बनाइएगा। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लेटर लिख करके, चिट्ठी लेकर के उनके घर पे देकर आ रहे थे कि कुछ पैसे से मदद कर रहे थे कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद विकास जरूर कीजिएगा। मनीष कश्यप जी भी ₹1,00,000 लोगों का रोजगार का वादा करने वाले मनीष कश्यप पहुंच गए बंगाल के अंदर, अगर बंगाल के अंदर पहुंच गए तो बिहार का विकास कैसे होगा? पश्चिमी चंपारण के लोगों का विकास कैसे होगा? एक वीडियो में देख रहा था, एक लड़का अपना खेत में काम कर रहा था, फावड़ा कुदाल लेकर भागकर चला आया मनीष कश्यप के पास, उस लड़के का क्या होगा? अगर ऐसे आपके मन में सवाल है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले थे मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण से, लेकिन माहौल बहुत जबरदस्त बना है, लेकिन कुछ दिन के बाद पता चलता है कि मनीष कश्यप शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में। वो कहते हैं अपने बयान में कि मेरी माता ने कहा कि जाकर के शामिल हो जाइए बीजेपी के अंदर, मोदी जी के साथ काम कीजिए, चले होंगे। मनीष कश्यप ने अपने वीडियो में कहा कि बिहार की जनता, पश्चिमी चंपारण की जनता, मुझे 5 से 6 महीने का मौका दीजिए, अगर मैं 5 से 6 महीने के अंदर विकास नहीं कर पाया, आपके लोगों के लिए कुछ काम नहीं कर पाया तो जाकर मुझसे सवाल कीजिएगा। तो पश्चिमी चंपारण के जनता को, लोगों को भी सब्र थोड़ा रखना चाहिए, 5-6 महीने का मौका देना चाहिए और 5-6 महीने के अंदर इंतजार करना चाहिए। 1,00,000 लोगों का रोजगार देने वाले, बात करने वाले मनीष कश्यप अगर विकास नहीं करते हैं तो उनका सवाल जरूर बनता है, आप सबका सवाल जरूर बनता है और सवाल पूछिएगा। लेकिन वो बंदा कह रहा कि मुझे 5 से 6 महीने का समय दीजिए, आपको समय देना चाहिए और थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेने के लिए आज बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पैसे वाले लाइन लगाकर रखते हैं, फिर भी उनको टिकट नहीं मिलता। लेकिन मनीष कश्यप आज जाकर के भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जाकर शामिल हो चुके हैं, तो बिहार की जनता को थोड़ा सब्र रखना चाहिए। भले वो कहीं से चुनाव लड़े, लेकिन अगर वो भारतीय जनता पार्टी में है, अगर चुनाव जीतती है, क्योंकि केंद्र सरकार में रहेगी तो बिहार का विकास जरूर होगा। पश्चिमी चंपारण के अंदर जो 1,00,000 लोगों का रोजगार की बात कर चुके हैं, एयरपोर्ट बनाने की बात कर चुके हैं, 6 महीने इंतजार करना चाहिए, 6 महीने के बाद 110% सवाल पूछेगा, अगर जवाब नहीं मिलेगा